সদর এসডিপিও এবং পূর্ব থানার ওসির যৌথ উদ্যোগে 11 জন চোর সহ একজন ক্রেতাকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করল আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। গত 21 নভেম্বর মঙ্গলবার ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষক পূর্ব থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে তার বিদ্যালয় থেকে চুরি হয়ে গেছে 47টি সিলিং ফ্যান। চুরিকাণ্ডের প্রতিবাদে জমায়েত করে বুধবার বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরাও। সেই চুরিকাণ্ডের তদন্তে নেমে অবশেষে মোট 12 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই চোর চক্রের মূল পাণ্ডা ভানু দেবনাথ, বয়স 43, তার কাছে এসে সব পাখাগুলি বিক্রি করেছিল চোরেরা। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার ঝুলন্ত ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন সদর এসডিপিও। উদ্ধার করা হয়েছে মোট 41টি পাখা, এর পাশাপাশি আরও 2টি জলের পাম্প মেশিন এবং তালা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত প্রচুর রডও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পূর্ব থানায় উপস্থিত থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर दलेश्वर में, तो इसमें से हेडमास्टर ने कंप्लेंट किया था कि उन्होंने 15, 16 और 19 तीन दिन में छुट्टी का दिन था, जब छुट्टी के बाद आके इन्होंने जब स्कूल को इंस्पेक्ट किया तो उनका 47 सीलिंग फैंस मिसिंग था। तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट दिया तो हम लोगों ने एसडीपीओ सदर और ओसी ईस्ट को एक टीम बना के इसको ट्रेस करने के लिए लगा दिया। तो विद इन एक दिन में मेन आदमी जो है बानो देवनाथ, ये 43 ईयर्स है, ये इस पूरा गैंग का लीडर है, तो उसको अरेस्ट किया, हैंगिंग ब्रिज के पास एलजी बाज़ार में अरेस्ट किया और उसने कन्फेस किया कि इसने ही चोरी किया है और इसके साथ और भी लोग हैं। तो उसके साथ हमने टोटल 12 लोगों को अरेस्ट किया है, उसको छोड़ के 11 लोग हैं। इसमें से एक आदमी उसका दुकान है जो कबाड़ी का दुकान है, वो भी लाल माटी एमजी बाज़ार में है, उसके दुकान से अभी हम लोगों को फैंस मिल गया है। टोटल अभी 41 फैंस मिला है, 41 फैन में 33 फैन में से वो लोग ब्लेड को जो निकाल के सेपरेट किया है वो भी है और 8 फैन में ब्लेड ऐसे इंटैक्ट है। उसके अलावा हमारे पास 2 वाटर मशीन भी मिला है, 2 पंप मशीन है और एटीएम का बैटरी जो है वो 5 मिला है और आयरन रॉड्स भी मिला है जो ताला तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा आयरन रॉड्स भी बहुत मिला है। तो अभी उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे और इंट्रोगेशन में हम लोग लेके आएंगे और भी क्या है। ये लोग बहुत दिनों से जो अगरतला में छोटा मोटा चोरी हो रहा है ये लोग भी बहुत है। ऐसे 11 लोग के चोरी है ना, न्यू नहीं चोर है ये, 11 लोग चोर है, एक तो रिसीवर है, रिसीवर एक दुकान का मालिक है उसका, उसने रिसीव किया है। এই চোর চক্রটি শহরের বিভিন্ন চুরিকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে ধারণা পূর্ব থানার পুলিশের। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে আশাবাদী পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।